हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है एंड इसमें क्या आप लोगों को नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, और अगर विदाउट नीट एग्ज़ाम आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और कौन सा आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यूपी में क्या क्या प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्टूडेंट यूपी के हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें नीट का एग्ज़ाम का बहुत ही डर रहता है, क्योंकि अभी स्टूडेंट को नहीं पता है, जो इंटर पास थ्रू हुए हैं तो उन्हें ये लगता है कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट होंगे एंड अदर स्टेट के भी होंगे। तो अदर स्टेट में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो पहले बना दिया है कि नीट का स्कोर क्या रहता है, एंड मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, जो अदर स्टेट के वो देख सकते हैं कि नीट का एग्ज़ाम किस किस इंस्टीट्यूट के लिए इम्पॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इस पर मैं बात करूँगी कि कौन से कॉलेज हैं यूपी में और यूपी में कैसे एडमिशन प्रोसेस रहता है बीएससी नर्सिंग का। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी में क्या होता है, जो अभी तक क्या होता आया है कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज में ऐसे डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे बीएससी नर्सिंग में। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम लोग फॉर्म अप्लाई करते थे, बट और जो प्राइवेट कॉलेज थे उसमें हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे बीएससी नर्सिंग में। कोई भी कॉलेज हो, अगर हम लोग को गवर्नमेंट नहीं मिलता था तो प्राइवेट में एडमिशन मिल जाता था आसानी से। लेकिन अब क्या हो गया है कि यूपी में एक यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ABBMU, आप लोग साइट पे जाके देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है पूरे यूपी का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसे हम लोग एग्ज़ाम का नेम होता है CET एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जो होता है, ये टेस्ट में क्या होता है कि पहले स्टूडेंट आप लोग समझते होंगे कि सैफई यूनिवर्सिटी थी एंड ये कानपुर का GSPM गणेशंकर विद्यार्थी एंड KGMU से रिलेटेड जो कॉलेज थे, सारा विवेकानंद, बहुत सारे कॉलेज थे जो अपने अलग एग्जाम कराते थे। KGMU अपना अलग कराती थी, सैफई यूनिवर्सिटी अपना अलग कराती थी, ये हैलट वाला जो गणेशंकर विद्यार्थी GSPM भी अपना अलग कराता था, एंड वो जो झांसी में है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एंड महारानी लक्ष्मीबाई, ये सब अपने एग्जाम अलग कराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों को फीस बहुत पे करनी पड़ती थी हर एक एग्ज़ाम देने के लिए, हम अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारी फ़ीस देनी पड़ती थी, किसी में 1600 तो किसी में 1100, ऐसे करके फीस पे करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें KGMU, सैफई यूनिवर्सिटी एंड जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी में, सिर्फ BHU को छोड़ के, BHU जो है वो अपना नीट से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगी है, एंड जितने भी यूपी में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज हैं तो वो उसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता थी, जो भी यूपी के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के हैं, अगर उन्हें यूपी में एडमिशन लेना है, तो आप लोग ये बात जान लें कि अभी आप लोगों को कोई भी फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई फॉर्म नहीं निकलता है, सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा। जैसे ही फॉर्म निकलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फॉर्म जो है वो जल्द ही जल्द निकलने वाले हैं। जैसे ही निकलेंगे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। तो इसका फॉर्म की बात कर लूँ, जैसे इसका फॉर्म निकलता है तो उसमें आप लोग सब स्टूडेंट फॉर्म जो है वो फिल कर देते हैं, सबने जो है फॉर्म फिल कर दिया, और जैसे कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे KGMU मिले, जैसे सब स्टूडेंट की चाहत होती है पहले कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस जो है वो कम पे करनी पड़ती है और उसमें जो है फैसिलिटी बहुत सारी मिलती हैं, हॉस्टल भी मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं, सबकी यही होती है फर्स्ट चॉइस क्या होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। लेकिन अब इसमें एक ये भी सवाल उठता है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए भी क्या ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, तो हाँ,
अगर आप लोग प्राइवेट में भी एडमिशन मिलेगा तब भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं लगता ये बात सही तो आप लोग कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर देख लीजिएगा, कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा विदाउट अटल बिहारी एग्जाम दिए हुए। आप लोग जब तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं देते हैं तब तक कहीं भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। यूपी के अदर स्टेट में जाओ तो नीट का एग्जाम हो गया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है बीएससी नर्सिंग में। यूपी में तो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी अपना कराती है एंड राजस्थान का तो आरएचएस कराती है, मैं उसका अलग बात करूँगी, पहले यहाँ पे यूपी की बात कर रही हूँ। तो आप लोग अटल बिहारी वाला एग्जाम दीजिए और प्राइवेट में, और इसके जो कट ऑफ है वो मैं अदर वीडियो में बताऊँगी कि कट ऑफ क्या रहती है प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लेकिन अगर आप लोग भी एससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग अटल बिहारी वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इसके बाद जब आप उनकी काउंसलिंग होती है तब काउंसलिंग में जैसे पहले आप लोग का रिजल्ट निकल जाएगा, तो रिजल्ट में जैसे ही नंबर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करानी होती है, क्योंकि पहले उसमें बोलते हैं कि इतने नंबर से इतने नंबर तक काउंसलिंग कराए, क्योंकि पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग चलती है, तो नंबर वाइज उसमें बच्चे जाते रहते हैं और फिर आप लोग देख सकते हैं कि सीट खाली है या नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट जो है बहुत जल्द फिल होती है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो आप लोग मेहनत करिएगा और इसका जो सिलेबस है वो भी मैं बताऊँगी, तो उस हिसाब से आप लोग पर मेहनत करिएगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसमें भी आप लोगों के 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तभी आप लोग काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 50% मार्क्स मांगते हैं, अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी जानकारी, आई होप आप लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि यूपी में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है और अगर कोई चेंजेस होता है तो मैम आप लोगों को वीडियो बनाती रहूँगी। एंड फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।